केंद्र सरकार के लिए ये राहत देने वाली तस्वीरें हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की घर वापसी शुरू हो गई है। पहले जत्थे को सीमा पार भेज दिया गया है और आगे ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यह आवश्यक है भाई, आखिर में ये कौन है? ये भारतीय नहीं है ना, मंशा से भी भारतीय है, और हमें कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान जहाँ कहीं से भी आ जाएं हम उनको लेना है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो विभाजन हुई थी उस समय अंग्रेज़ों ने कहा कि एक मुस्लिम शासित प्रदेश शासित देश और एक हिंदू शासित देश बनाएंगे। इन रोहिंग्या मुसलमानों को असम के सिलचर से इम्फाल लाया गया। असम पुलिस का दावा है कि ये अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम पुलिस इन्हें इम्फाल लेकर आई। भारत म्यांमार मैत्री द्वार पर कागजी खान पूर्ति के बाद इन्हें इनकी जमीन पर भेज दिया गया। इन तस्वीरों से केंद्र सरकार के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी घर वापसी को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की वो अर्जी खारिज कर दी जिसमें इनकी पहचान को चुनौती दी गई। ये एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन और डेवलपमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर जने की, चाहे वो नागरिक हो चाहे ना हो, उसके मानव अधिकार, खासकर राइट टू लाइफ जो धारा 21 में है, उसकी रक्षा करना। रोहिंग्या मुसलमानों की अर्जी नए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ये दलील मान ली कि ये सभी म्यांमार के मूल नागरिक हैं, यानी कि केंद्र सरकार को वो रास्ता मिल गया जहां से रोहिंग्या भारत छोड़ो का अभियान रफ्तार पकड़ेगा।